तो दोस्तों, अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में सेडान गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ यहाँ पर गिने चुने ऑप्शन हैं जो काफ़ी सेल अच्छे होते हैं। जैसे कि नंबर वन पर हुंडई वर्ना आप कह सकते हैं, सेकंड आपकी स्लेविया है, या इसके अलावा होंडा मोटर्स की सिटी आती है। इसके तो कई जनरेशन आ चुके हैं, अब तक फिफ्थ जनरेशन आ चुके हैं, पाँच जनरेशन आ चुके हैं। और फिलहाल आपको हम सिटी का यहाँ पर डिटेल्स रिव्यू शेयर करने वाले हैं। तो सिटी का ये है फिफ्थ जनरेशन ZX MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन वाला जो है। आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। आप हमें बताएंगे मार्केट में अवेलेबल प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में, जैसे स्लेविया है, वरना है। तो अगर हम इस टाइप की गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं हमारे कस्टमर्स, और उनके ऑप्शंस गिने चुने हैं, वरना लेंगे, स्लेविया लेंगे या सिटी लेंगे, अगर सिटी लेते हैं तो क्यों लें? मेन पॉइंट्स ये है, प्राइस लेवल, कंफर्ट लेवल, सेफ्टी लेवल और फीचर्स लेवल। फिफ्थ जनरेशन कार है, 2000 से फॉलो कर रहे हैं। आपको इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे होंडा कनेक्ट जैसा फीचर, घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हैं 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 साल तक आप होंडा कनेक्ट, इसमें अलेक्सा जैसे वॉइस कमांड का इसमें ऑप्शन रखा जो कि किसी गाड़ी में ज़्यादा फर्स्ट सेंटर इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री में पहली ऐसी गाड़ी जिसके अंदर अमेजन अलेक्सा वॉइस कमांड, अलेक्सा इनबिल्ट है इसमें जो। प्लस एक पॉइंट और है जो आपने बोला, हम उसे डिटेल में बोल देते हैं। इस गाड़ी को मार्केट में अवेलेबल हुए अब तक जब से फर्स्ट जनरेशन आया था कितने साल हो चुके हैं? 20 साल हो चुके हैं, यानी कस्टमर का ट्रस्ट भी बहुत है। मेन पॉइंट है, कस्टमर इसे 20 साल से यूज कर रहा है और कंटिन्यू। मेन प्रोडक्ट हर कंपनी का जैसे एक होता है, तो सिटी ही होंडा की पहचान भी है। जी और इंजन के बारे में बताइए क्या है। 1500 सीसी का जी। उसके बाद इसका माइलेज की बात करूँ, 18.5 का माइलेज, यानी इतने पावरफुल इंजन में भी 18 का माइलेज देती है, 18.5 का। ऑन एयर कंडीशन में ऑन एंड हाईवे आपको आपको 20-22 का आराम से इजीली देगी, अगर आप 80 से 100 के बीच बिटवीन ड्राइव करते हैं कार में। क्रूज कंट्रोल वगैरह तो होगा ही, नॉर्मल फीचर स्टैंडर्ड है। आपको ZX में आपको जो टॉप मॉडल के फीचर बढ़ जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, जैसे कि आप बेसिक वेरियंट में देखेंगे फैब्रिक सीट आती है, इसमें आपको लेदर अपॉस्टी मिलेगी। अच्छा, सीट फुल लेदर मिलेगी, फुल लेदर है, फुल लेदर। उसके बाद आपके साइड में भी लेदर मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें लेन वॉच कैमरा भी मिल जाता है, को ड्राइवर साइड भी आप कैमरा आप देख सकते हैं, यानी स्मार्ट फीचर है, जैसा वर्ल्ड क्लास गाड़ियों में आता है लेन वॉच वाला। फर्स्ट इंडस्ट्री है ये भी, लेन वॉच किसी गाड़ी में नहीं आता, सिर्फ होंडा सिटी के अंदर आ रहा है। और बहुत काम का फीचर है, अगर ड्राइवर अलर्ट नहीं है तो उसमें बहुत काम का। लेन चेंज करते हैं तब ये काम आता है। आकेश भाई बताइए। स्टीयरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, आपको देखिए टिल्ट तो नॉर्मल सभी में मिलता है जी, नॉर्मल से छोटी छोटी गाड़ी से बड़ी बड़ी, पर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ये एक्स्ट्रा फीचर है। एक्स्ट्रा फीचर है ये, देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से आप स्टीयरिंग को आगे भी ले सकते हैं, जैसे मेरा बॉडी शेप इस तरीके से, मैं इस तरीके से यूं ड्राइव कर सकता हूँ, उसको यहाँ से नीचे से आप लॉक कर सकते हैं, यानी किसी भी हाइट का आदमी के लिए भी कंफर्टेबल हो गया बिल्कुल। उसके बाद आपको जी मीटर डिस्प्ले भी मिलती है इसमें। अच्छा, टायर मॉनिटर प्रेशर भी आता है, जैसे गाड़ी में कितना आपके एयर है टायरों में, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एडवांस गाड़ियों में ही आता है। उसके बाद एक और मैं जोड़ना चाहूंगा, हिल असिस्ट। अच्छा, एजाइल असिस्ट, जैसे हिली स्टेशन पे जा रहे हैं तो गाड़ी जब आप ब्रेक मारते हो पीछे बैक नहीं होती, इसमें ये फीचर है, ये एक्स्ट्रा फीचर है हिल असिस्ट का, और बहुत काम का फीचर है खासतौर से जो लोग हिल एरिया से हैं। उसके बाद आप देखेंगे लाइट सब आपको एलईडी मिलेगी जी, ये देखिए पीछे वाली लाइट्स भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, टोटल एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स है, आगे भी देखिए आपने देखी थी। हाँ हाँ, दिखाया था शुरू में। उसके बाद ड्राइवर इसमें चारों पावर विंडो के संग संग चारों आपको पावर डाउन भी आती है, जैसे कि और गाड़ी में देख रहे थे आप ऑटो सिर्फ ड्राइवर साइड में, इसमें चारों पावर विंडो है। अच्छा, आपको वेलकम भी करेगा जी डिस्प्ले मीटर। अच्छा, जैसे आपने डोर बंद किया वेलकम करता है। अच्छा, बंद करने पर। हाँ जी। उसके बाद ये क्रोम दे रखा है और 4 स्पीकर संग संग आपको 2 ट्विटर भी दे रखे हैं स्पीड वॉल्यूम के लिए, क्वालिटी के लिए म्यूजिक की। हाँ, जो म्यूजिक क्वालिटी आती है उसके लिए सनरूफ भी दे रखा है, जैसे कि आपने सनरूफ तो है ही इसमें। उसके बाद IRVM डे नाइट वाला, ये तो आपके उसमें भी है, जैज वगैरह में भी है, तो इसमें तो होगा ही। उसके बाद आपको बताऊंगा, ये देखिए सनग्लास होल्डर दे रखा है, सनग्लास आप रख सकते हैं। उसके बाद ये मैक्सिमम कूलिंग का ऑप्शन आ रखा है,
8 इंची की डिस्प्ले मिलेगी आपको, नॉर्मल आपको गाड़ियों में 7 इंची मिलती है, 8 इंची मिलेगी। ये भी उसके बाद सिल्वर फिनिशिंग, उसके बाद ये ब्राइटनेस के लिए टैकोमीटर की ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्ट हो जाएगी नाइट के हिसाब से, डे नाइट के हिसाब से। ये सारे फीचर है इसमें बेसिकली। और फ्रंट में आर्मरेस्ट, ये देखिए फ्रंट में आर्मरेस्ट आ जाएगा, ये देखिए आर्मरेस्ट है, बाकी स्पेस भी काफी अच्छा है इसका तो और ज्यादा है। कुल मिलाकर सारे यूजेबल स्पेस दिए हैं। और ड्राइवर विंडो 50 एमएम तक एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे 60-40। ये ड्राइवर सीटें एडजस्टेबल हैं ही बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए वुडन फिनिश बहुत अच्छी दे रखी है गाड़ी में, देखिए लेदर अपोस्टी के संग वुडन फिनिश भी दे रखी है, बहुत शानदार है वुडन फिनिश भी आप यहां पर देखिए। उसके बाद स्टैंडर्ड आपको 4 एयरबैग मिलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, दोबारा रिपीट करूंगा, 4 एयरबैग मिलते हैं जी। उसके बाद अगर आप VX इससे जो नीचे वाला बेसिक वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट, मिड वेरिएंट इसे बोलते हैं VX, उसमें भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। अच्छा, अब आ जाइए आप रियर पर, यहां देखते हैं यहां पे तो काफी अच्छा है, ये भी बहुत ही स्पेशियस, बहुत असिस्ट ग्रिप दे रखी है चारों कॉर्नर पे, बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके बाद रियर एसी वेंट के संग संग आपको चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट का और दोनों 12 वोल्ट के आपको ऑप्शन मिलते हैं। उसके आर्मरेस्ट कंफर्ट तरीके से, रियर पैसेंजर का भी काफी ख्याल रखा है, चाहे चार्जिंग करना है आपको मोबाइल या, देखिए आप बहुत बढ़िया बैटर। और ये तो भाई बहुत काम का है, यहाँ पे 2 गिलास रखिए आपने और कहीं जा रहे हैं आराम से पानी पीजिए। उसके हिसाब से एक चीज दिखाना चाहूंगा जो किसी गाड़ी में नहीं आ रही, देखिए रियर सनशील्ड रूफ, ये इसी के साथ इंक्लूड है बिल्कुल, रूफ वगैरह अगर पीछे से आपको आ रही है। और बाकी विजिबिलिटी में तो कोई अंतर है नहीं इससे लगने के बाद में, जो नॉर्मल है विजिबिलिटी तो, तो ये बहुत काम का सोच के फीचर दिया है पीछे से। कितने भी लॉन्ग रूट पे चले जाइए बहुत थकावट महसूस नहीं होगी आपको। इसकी सीटें इस टाइप की हैं, आप देखिए टोटल यहाँ पर जितने भी ये आपका हेडरेस्ट है बैक में, रियर में है या फ्रंट में है, ऑल कंफर्टेबल है। ये देखिए 506 लीटर का, देखिए लेग रूम लाइट भी है, लगेज लाइट भी है, या कार्गो लैंप भी बोलते हैं इसको। तो कुल मिलाकर प्रीमियम सेगमेंट में है तो गाड़ी वास्तव में फील कराती है कि हाँ हम प्रीमियम गाड़ी जो है परचेज कर रहे हैं। सोलह इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, काफी बेस्ट आपको इसमें 15 इंच मिलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड मिलते हैं 15 इंच के जो है, वो वेरिएंट वाइज चेंज हो जाते हैं मेन रूप से। कैमरा के हिसाब से आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, देखिए 4 सेंसर है, 4 सेंसर भी मिलते हैं कैमरे के संग संग। अच्छा, और शार्पिंग एंटीना मिलता है जैसे कि और गाड़ी में देखते हैं आप, ब्लैक कलर का आता है, जैसे स्लाइडिया में ब्लैक कलर का आता है, इसमें आपको शार्पिंग एंटीना आता है, ये तो बिल्कुल मैचिंग मैचिंग में थोड़ा लगता है, मैचिंग में इससे फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है और लुक्स में भी बहुत इंप्रेसिव लगता है और अच्छा लगता है। आइए देखिए जी, कोर ड्राइवर साइड में ये देखिए, नीचे कैमरा दे रखा है फ्रेंड्स, ये लैन वॉच कैमरा जी, लैन वॉच कैमरा बहुत जबरदस्त फीचर है। तो दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट की ये शानदार गाड़ी होंडा सिटी की फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। केशव जी वेरिएंट्स बता दीजिए, प्राइस के बारे में थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दीजिए। 3 वेरिएंट आते हैं इसमें, VVX और ZX टॉप वाला, ZX टॉप वाला है जो ये है। सभी फीचर्स है इसमें, चाहे कम्फर्ट हो, सेफ्टी हो, स्पेस हो या स्मार्ट फीचर हो जैसे एलेक्सा का फीचर्स होता है, खासतौर से अगर आप वेस्ट UP से हैं। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सामने डिस्प्ले पर भी दिया जा रहा है, बाकी एक बार हम बोल देते हैं कि भाई अपना नंबर यहाँ शो कर देते हैं, 7018111772 ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए अगर आपको होंडा की गाड़ियाँ परचेज करनी है। नेक्स्ट इसी सेगमेंट में और गाड़ियाँ भी आपके साथ शेयर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।